18 into 24. Is equal to 432 square feet, 2-bedroom house design. Okay, and now start this plan and. This is 18 feet. And 24 feet. And this is 24 feet. And this is 18 feet. Okay. And now this is 5-inch wall. This is 5-inch wall. This is 5-inch wall. And this is 5-inch wall, okay? And this is entry area. Okay, this entry, and now this is wall, five inch wall. And this is wall. This is wall. Okay. Stair. Tread and riser. 10-inch wide tread and 6-inch height riser, 10-inch wide tread and 6-inch height riser. तो इस प्लान में हमने यही रखा इधर से आप, ओके? तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको हाईलाइट करेंगे, कैसे देखिए? तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके इसको ओके ऐसे हम रखेंगे इधर इधर और इधर ओके तो हमने ऐसे रखा है क्यूब हम दिखाएंगे बाद में पहले हम इसका ड्रॉ करते हैं ड्राइंग टू बेडरूम रखा है इसमें और क्या क्या मैंने यहाँ पर ऐड किया है और क्या नहीं किया है ऐसा आपके साथ अभी शेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंटरनल पार्टीशन वॉल भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है ऐसे ओके आउटर वॉल ओके आउटसाइड वॉल और दिस इज वॉल ओके और इसको हमने अभी इसका जो डोर है इधर हम ऐसे रखेंगे डोर ऐसे रखेंगे बाकी जो पार्ट इधर हो गए हैं तो उसके बाद हम देखिए इसका जस्ट सिंपल सा एक ड्राइंग है आपके पास छोटा सा प्लॉट है तो आप इस टाइप का ड्राइंग ऐसे बना सकते हैं इसका देखिए विंडो इधर हमने रखा है साइड में आपके पास कम जगह है तो आप विंडो के मतलब में आप रख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है गेट
इधर आएगा एंट्री, ओके, यहाँ पर आएगा वेटिंग एरिया, ओके, फिर इधर से स्टार्ट हो जाएगा, इधर आएगा टॉयलेट प्लस बाथ, तो इधर आएगा डोर, इधर आएगा डोर, यहाँ पर आएगा बेडरूम, इधर आएगा बेडरूम। तो यहाँ पर हमने किचन ऐड नहीं किया है, आपको ओपन किचन करना होगा। आपको अगर किचन और डाइनिंग चाहिए तो इस घर को आप आउट करके यहाँ पर ऑप्शनल किचन प्लस डाइनिंग यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऑप्शनल। तो स्टेयर के नीचे भी आप यहाँ पर किचन का प्रोवाइड कर सकते हैं ओपनिंग, क्योंकि जगह छोटा है इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर आएगा देखिए 10 फीट, यहाँ पर भी आएगा 10 फीट वाइड, इधर आएगा 11। सिर्फ यहाँ पर हमने बेडरूम को ऐड किया है क्योंकि 11 फीट 3 इंच, दो बेडरूम चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बेडरूम चाहिए तो आप एक बेडरूम का आउट करके यहाँ पर एक डाइनिंग और किचन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टॉयलेट यहाँ पर 6 फीट 9 इंच और इधर 4 फीट 6 इंच, इधर का जो डिस्टेंस है 8 फीट 3 इंच, 6 फीट 9 इंच, ओके, इधर 3 फीट और इधर टोटल डिस्टेंस 10 फीट, ओके। तो इसमें जो देखिए वॉल है आउटसाइड में 5 इंच का वॉल, इधर जो वॉल है 5 इंच का वॉल, इंटरनल जो वॉल है इसका भी 5 इंच रखा है, इधर जो कॉलम है साइज 10 इंच × 12 इंच, टोटल बिल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर आएगा 5 to 6 लाख, और इधर जो आएगा 18 फीट इस डिस्टेंस में और इधर आएगा 24 फीट इस डिस्टेंस में, ठीक है। और इसका जो देखिए यहाँ पर जो है 3 फीट वाइड डोर, 2 फीट 6 इंच वाइड डोर, ओके। और आपको ऑप्शनल चाहिए तो यहाँ पर आप ऑप्शनल, तो बेड को हटा के आप यहाँ पर डाइनिंग प्लस किचन, तो आपको बेडरूम में चाहिए तो किचन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर इसका प्लान प्लान को आप ऑप्शनल कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे रखा है। अगर आपको 400 स्क्वायर फीट के अंदर 30 स्क्वायर, 2 बेडरूम चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं, सिंगल बेडरूम चाहिए तो आप यहाँ पर ऑप्शनल डाइनिंग किचन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ऐसे इसका बिल्डिंग प्लान।